विश्व विख्यात पैराग्लाइडिंग के लिए शुमार। बीड बिलिंग घाटी में मानसून के चलते सभी सोलो पायलटों व टैडम ऑपरेटरों को बिलिंग घाटी में फ्लाइंग ना करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम बैजनाथ छवि नांटा ने बताया कि बरसात के मौसम के चलते बीड बिलिंग घाटी के सभी पायलटों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 9 जुलाई से 15 सितंबर तक किसी भी तरह की उड़ान ना भरें। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान पर्यटक बिलिंग घाटी में उड़ान करने ना आए और ना ही कोई उड़ान होगी। इस दौरान सभी उड़ानें सोलो व टैडम दोनों बंद कर दी गई हैं। विश्व की कठिनतम यात्राओं में से एक श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आए 100 से अधिक साधुओं का दल हिमाचल के निरमंड नामक स्थान से रवाना हुआ। भगवान परशुराम की नगरी निरमंड के दशनामी जुड़ा अखाड़े से अंबिका माता एवं दत्तेय स्वामी की छड़ी को भी दल के साथ भेजा गया है। इस पवित्र 24वीं छड़ी यात्रा को आनी के विधायक किशोरी लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले जूना अखाड़ा में विधिवत पूजा अर्चना की गई। उसके बाद छड़ी व साधुओं के दल को देव वाद्य यंत्रों की धुनों में बस अड्डे पहुंचाया गया। ये दल जाओ तक वाहन में सफर करने के बाद संकरी पखडंडियां होते हुए करीब 35 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करेगा। बर्फ में ढकी कांदराओं के बीच 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए ये दल 16 जुलाई को पहुंचेगा। उसके बाद 20 जुलाई को ये दल वापस निरमंड आएगा। माइनस के तापमान में श्रीखंड पहुंचना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में शारीरिक क्षमता वाले लोग ही भोले के दर्शन कर पाते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 130 किलोमीटर सफर तय कर रामपुर बुशहर पहुंचना होता है और उसके बाद कुल्लू जिला के निरमंड होते हुए बागीपुल जाओ तक वाहन मार्ग का सफर होता है। जाओ से पैदल सफर आरंभ होने के पश्चात पहला पड़ाव सिंगाड़ होता है। यहीं से शुरू होती है विकेट और परीक्षा लेने वाली यात्रा। हालांकि यात्रा आधिकारिक रूप से 15 जुलाई से आरंभ होगी और 25 जुलाई तक जारी रहेगी, लेकिन परंपराओं के अनुसार छड़ी को पूर्व की भांति निर्धारित तिथि पर रवाना किया गया। ग्यारहवीं बार श्रीखंड के लिए निकले बाबा ने बताया कि उन्होंने कई यात्राएं की हैं, लेकिन ये यात्रा सबसे अधिक कठिन है। इस यात्रा में अपने साथ सभी जरूरी सामान लेकर जाना होता है। हालांकि श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट और समिति की ओर से काफी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन फिर भी तैयारियां पूरी करनी होती हैं। जिस पर भोले की कृपा होती है वही यात्रा पूरी कर पाता है। श्रीखंड छड़ी यात्रा एवं ग्राम सुधार समिति निर्मंड के अध्यक्ष देवराज कश्यप ने बताया कि दशनामी जुड़ा अखाड़े से पूजा अर्चना के पश्चात इस पवित्र छड़ी को साधु महात्माओं की रहनुमाई में श्रीखंड के लिए रवाना किया गया। इस दल में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 100 से अधिक साधु भाग ले रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासी महिला ने बताया कि छड़ी यात्रा हर साल इसी दिन पारंपरिक तरीके से रवाना की जाती है। परशुराम और मां अंबिका की छड़ी श्रीखंड के लिए जाती है। आनी के विधायक किशोरीलाल ने बताया कि यात्रा को लेकर सरकारी स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान कानून व्यवस्था से लेकर सेवा व सहायता सबकी जवाबदेही तय की गई है। आज उसमें हड़कंप मच गया जब दो बाइक सवार युवक सर बाजार में एक बुजुर्ग दंपति से पैसे से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। दरअसल ऊना के एक बुजुर्ग दंपति सोहन लाल व उसकी पत्नी ने बैंक से 1,20,000 के करीब पैसे निकाले थे और घर के लिए निकले थे, लेकिन वे बाजार पहुंचते ही उनका पीछा कर रहे थे। दो बाइक सवार युवकों ने बाइक को उनके आगे खड़ा करके उनका रास्ता रोका और उनके पैसे से भरा बैग छिनकर फरार हो गए। बुजुर्ग दंपति भी बाइक से गिर गए और जब तक वे संभले और आवाज लगाई तब तक बाइक सवार युवक वहां से फरार हो गए थे। इनकी माने तो
ये दोनों युवक पहले बाइक लेकर आगे गए और फिर वापिस आकर उन्होंने हमारा रास्ता रोका और पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सोहन लाल ने कहा कि जो पैसा उन्होंने बैंक से निकाला था वह भी किसी को लौटाना था। वह पैसा लेकर वापिस घर जा ही रहे थे कि ये घटना उनके साथ हो गई। लूट की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लूट की घटना से बुजुर्ग दंपत्ति काफी सदमे में हैं और काफी डरे हुए हैं। बही पुलिस द्वारा शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना वाली जगह का जायजा लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां पर लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला और फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस की माने तो इस मामले में उनके पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं और जल्द ही इस मामले से पर्दा उठाने की बात कही है। बैंक से 1,20,000 रुपया निकाला था, वो बाइक पे अपनी घरवाली के साथ जा रहा था, तो दो बाइक पे सवार आए हैं और उन्होंने उसको छीना है और भाग गए हैं, तो सीसीटीवी खंगाल रहे हैं और जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी में क्या कुछ अभी कुछ? हाँ, सीसीटीवी में एक बाइक आ रही है नज़र, उसमें दो व्यक्ति बैठे हैं, उनको पहचानने की कोशिश की जाएगी।